नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजी किचन विद ललिता जयरामन। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ पूरी पनियारम, यानी कि पड्डू या फिर गुलियप्पा। ये साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डोसे का आटा, वो भी वेल फर्मेंटेड होना चाहिए, अच्छा खट्टा वाला डोसे का बैटर होना चाहिए। फिर हमें चाहिए एक फुल ऑनियन, अच्छे से फाइनली चॉप किया हुआ, और हमें चाहिए फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, फाइनली चॉप्ड करी लीव्स, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और एक या दो पिंच बेकिंग सोडा। अब हम इन चीज़ों को मिला लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑनियन बैटर में। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली, एक या दो ऐड करेंगे, करी लीव्स भी ऐसा चॉप किया हुआ है वो भी ऐड करेंगे, और आप कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक या दो पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो थोड़ा फूल जाता है और आटे का जो खट्टापन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो अब हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अब हमारा आटा रेडी हो गया है, अभी हमें इसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने पनियारम मोल्ड को गैस में रखा है। ये मोल्ड आपको कहीं भी मिल जाएगा। और अभी मैंने इसमें ऐड किया है जिंजली ऑयल। आप जिंजली ऑयल की जगह रिफाइंड ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये गर्म हो चुका है तो मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। हर पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसा ऐड करेंगे। ये तो इंस्टेंटली बनने वाला एक बहुत ही अच्छा टिफ़िन है। अगर आपके घर में सडनली कोई गेस्ट आ गए और आपके पास डोसे का आटा है तो आप ऐसे घर में ही मिलने वाले सारे चीज़ें हैं, करी पत्ता, ऑनियन वगैरह, उसको कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ऐसे उनको बना के दीजिए, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। अब एक तरफ तो अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स, तो हम साइड बदल के इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसे और भी हेल्दी और रिच बनाना चाहते हैं तो गाजर ग्रेट करके डाल सकते हैं इसमें, कैशू नट्स, मूंगफली वगैरह ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। ये सभी लोगों को पसंद आने वाला एक रेसिपी है, बड़े हो या छोटे, लेकिन अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो वो इसके दीवाने हो जाएंगे। जो बच्चे डोसा या इडली खाने के लिए मना करते हैं, उनको आप ऐसा बना के देंगे तो वो और भी मांगेंगे, उनको बहुत पसंद आएगा। मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद है, वो तो इसका रियली एक दीवाना ही है। तो आप भी बना के दीजिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा रेसिपी पसंद आया, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पास ही में एक छोटा सा बेल बटन है उसे प्रेस कीजिए, और उसके ऊपर ऑल लिखा होगा उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे सारे फ्यूचर अपलोड्स के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So as I say always, stay home, stay safe, take care, bye-bye.